चलिए इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है वोटिंग। 4 बजे तक मतदान होना था जो हो चुका है। अब 5 बजे से राज्यसभा चुनाव की मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जारी होगा। 200 में से 198 विधायकों ने वोट डाले। मास्टर भंवरलाल मेघवाल और माकपा विधायक गिरधारी लाल महिया ने वोट कास्ट नहीं किया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने दो दो प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, साथ ही बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत। वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 बजे तक समय था, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का ये समय था और वोटिंग अब समाप्त हो चुकी है। 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और उसके बाद जो परिणाम है चुनाव का वो जारी कर दिया जाएगा। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, वोटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? हालांकि जीत यहां पर कांग्रेस की तय है, लेकिन क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए मनीषा, मतदान की जो समय है वो समाप्त हो चुका है। 9 बजे सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ था और 4 बजे तक का समय था, लेकिन अब 4 बज चुके हैं और 4 बजे मतदान का समय है वो समाप्त हो चुका है। 5 बजे मतगणना शुरू होगी, जिसकी तैयारी अभी की जा रही है। इसके लिए दोनों पार्टियों की ओर से एजेंट नियुक्त किए गए हैं, वो मतगणना में मौजूद रहेंगे। 5 बजे मतगणना का समय है, 5 बजे मतगणना शुरू होगी और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। देखिए, राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और 3 सीटों के लिए आज सुबह 9 बजे से और 4 बजे तक अभी मतदान हुआ है। मतदान सबसे पहले जोधपुर की जो बीजेपी विधायक है सूर्यकांत व्यास, उनकी ओर से वोट किया गया था। सबसे अंत में बीजेपी कांग्रेस के जो विधायक है वाजिब अली, उनको लेकर उन्होंने वोट किया है। आखिरी सबसे आखिरी में 198 वोट कुल, आज 200 सदस्यीय इस विधानसभा में 3 सीटों के लिए 198 वोट आज डले हैं। 2 वोट गिरधारी लाल मैया जो भाजपा से विधायक हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश सरकार में अभी मंत्री हैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उनका वोट नहीं डल सका। ये दोनों वोट नहीं डल सके हैं दोनों के। मास्टर भंवरलाल मेघवाल कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और इस समय वो अस्पताल में हॉस्पिटलाइज है अभी जी। और गिरधारी लाल मैया भी अस्वस्थता के चलते वो वोट कास्ट करने नहीं आए। ऐसे में 198 वोट कुल 200 वोटों में से आज यहाँ पर डले हैं और 5 बजे मतगणना शुरू हो। बिल्कुल दिनेश, बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती नजर आ रही है, क्योंकि पहले तो तमाम दावे किए जा रहे थे लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार था। बिल्कुल मनीषा, देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है कि चुनाव में खड़े कर सकते हैं, उम्मीदवार उतार सकते हैं। बीजेपी की ओर से उसी अधिकार के तहत दो उम्मीदवार उतारे गए थे, क्योंकि उनके पास 24 वोट प्लस थे तो ऐसे में उनकी ओर से, और उनको ऐसी उम्मीद थी कि निर्दलीय जो विधायक है कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट उनको मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में बीजेपी की ओर से एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा उतारा गया था। तो 4 उम्मीदवार 3 सीटों के लिए चुनाव थे, 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बीजेपी की ओर से हालांकि प्रायोरिटी जो राजेंद्र गहलोत है उनको रखा गया था और कांग्रेस की ओर से जो 2 उम्मीदवार है केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी, 2 उम्मीदवार है। तो दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है और 1 सीट पर बीजेपी के राजेंद्र गहलोत है, उनकी जीत तय मानी जा रही है। दिनेश, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर था, वो पहले भी जारी था, लेकिन फिलहाल क्या सामने आ रहा है दोनों पार्टियों से अगर हम बात करें तो? देखिए मनीषा, ये उम्मीदवार उतारना उनका एक संवैधानिक अधिकार था, जिसके तहत बीजेपी ने एक उम्मीदवार 2 उम्मीदवार उतारे थे। तो आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर ऐसा कोई सवाल नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही थी, खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही थी बीजेपी की ओर से कि उनके पास 24 वोट है जीतने के लिए, ये दूसरी सीट को 51 वोट चाहिए, तो ऐसे में खरीद फरोख्त के जो मानस था बीजेपी का एक रणनीति के तहत उतारा था, ये कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा था। देखिए बनी साहब, बड़ा अपडेट इस समय ये है कि जो कांग्रेस के विधायक है वाजिब अली, जिन्होंने सबसे आखिरी में वोट किया है, वो पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, ऑस्ट्रेलिया में उनका व्यवसाय है तो वहां पर गए हुए थे, कल ही वो स्वदेश लौटे हैं और आज, हालांकि कल रात को ही वो कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी में शामिल हो गए थे, सुबह विधायकों के साथ ही विधानसभा पहुंचे थे। चुनाव आयोग की ओर से भी जो कोरोना संक्रमण के चलते, कोरोना ऐसा कोई अगर सदस्य जो मतदाता है और संक्रमित है कोरोना से, तो उनके लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन खुद वाजिब अली हैं वो सुबह विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंच गए थे।
लेकिन बीजेपी की ओर से जब ये विरोध किया गया कि वाजिब अली को बैलेट पेपर की सुविधा दी जाए, यहाँ पर वोट नहीं करवाया जाए, उसके बाद विधानसभा में उनकी कोरोना जांच करवाई गई, कोरोना रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है, उसके बाद उनका मतदान भी हुआ है, लेकिन बीजेपी की ओर से इसके खिलाफ, वाजिब अली के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है जो विधानसभा के क्षेत्र में आता है, ज्योतिनगर थाना आता है, उसमें रिपोर्ट दर्ज वाजिब अली के खिलाफ करवाई गई है कि कोविड 19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालन नहीं की गई है, उनको मतदान बैलेट पेपर से करना था लेकिन उन्होंने विधानसभा पहुंचकर मतदान किया है और जो कोविड की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया है, इसके खिलाफ वाजिब अली के खिलाफ बीजेपी की ओर से विधि प्रकोष्ठ की ओर से एक FIR दर्ज करवाई गई है। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जारी हो जाएगा और पटाक्षेप आज हो ही जाएगा, जो सियासी उठापटक चल रही थी लगभग 10-15 दिन से। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।